टीपीसीसी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि ने शहर हैदराबाद के नामपली में वाक़े गांधी भवन में मुनाक़िदा एक प्रेस मीट में शिरकत की और इस दौरान मीडिया से खिताब भी किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तेलंगाना में जब से टीआरएस सरकार बनी तब से डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का वास हो रहा है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। व्यक्तिगत रूप में गवर्नर तमिल सही को और मुख्यमंत्री केसीआर को कुछ आपत्ति है, वो व्यक्तिगत ही सीमित करना चाहिए। गवर्नर कौन सा भी पार्टी का हो, यदि एनडीए अपॉइंट करे या यूपीए अपॉइंट करे, गवर्नर गवर्नर ही होता है। और व्यक्तिगत रूप से आए सो आपत्तियों को आप पब्लिक के ऊपर थोप के, जो नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे, हमेशा परेड ग्राउंड से होती है, कोविड के कारण, कोविड का रीज़न बताते हुए गवर्नर के ऊपर ऐसे गुस्सा को प्रकट करते हुए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को आप राजभवन को सीमित करें। आज हाईकोर्ट डायरेक्शन दी है, एटलीस्ट अभी तो भी मुख्यमंत्री अपने व्यक्तिगत देश को बाजू रखते हुए नेशनल फेस्टिवल को बड़े रूप में बड़े पैमाने पे करना ज़रूरी है, और वो पब्लिक परेड ग्राउंड में ही करना है। यह नेशनल फेस्टिवल है, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का इसमें दखल नहीं होना चाहिए। सरकार सरकार के रूप में डेमोक्रेटिक वे में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस परेड ग्राउंड में बड़े लेवल पे करके एक मुख्यमंत्री के रूप में ऐड करना चाहिए। केसीआर और तमिल साई का डिफरेंसेस को बाजू लगाइए। मुख्यमंत्री और गवर्नर का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन को अपनाइए, वो रिलेशन को बरकरार करते हुए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस परेड ग्राउंड में सभी पार्टियों को बुला के बड़े पैमाने पर करने का कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है।